भारत के वीरों की तलवारें कभी म्यानों में सोई नहीं। अकबर क्या, किसी भी मुगल की हुकूमत पूरे भारतवर्ष पर कभी रही ही नहीं। दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चीज वजूद में थी ही नहीं। मुगल अलग अलग राजाओं से मिलकर इस देश के कुछ हिस्सों पर शासन करते रहे। साम्राज्य जैसा शब्द, सल्तनत जैसा शब्द एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। मेहरौली से यमुना तक हुकूमत करने वाले लुटेरों को हमने जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी, और अफसोस होता है ये कहते हुए कि सच्चे शूरवीरों को भुलाकर हमने इन अपराधियों को हीरो बना दिया। साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य था मगध, साम्राज्य था चोला, चेरा, पांडियन, मुगल थोड़ी। अगर हम मुगलों, तुर्कों, खिलजियों और लोदियों के सचमुच गुलाम रहे होते तो आज सनातन धर्म और सभ्यता का नामो निशान यहां बाकी नहीं होता। हिंदू हमेशा के लिए मिट गए होते, हिंदुत्व हमेशा के लिए मिट गया होता, भारत कुछ और हो गया होता। जैसे पर्शिया गुलाम हुआ तो ईरान हो गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ तो इराक हो गया, इजिप्ट की हालत हमारे सामने है। अगर हम सचमुच गुलाम रहे होते तो कोई और कौम, कोई और धर्म भारत भूमि पर कभी पनपता ही नहीं। भारतवर्ष के वीरों ने कभी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी थी, और बड़े ही प्रायोजित तरीके से हमारे अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरने की कोशिश की गई कि हम पद्दलित और कमजोर थे। मुगल एम्पायर के बारे में सैकड़ों पन्ने रटवा दिए गए हमें, दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या क्या पढ़ा दिया गया। महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद में रखा, यह इतिहास हमें क्यों नहीं बताया गया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को महीनों बंदी बना के रखा, यह हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया, यह चैप्टर टेक्स्ट बुक्स में कहां है। ऐसे दर्जनों युद्ध हुए हैं जहां इन आतताइयों को हमने पैरों तले रौंदा है। 7वीं सदी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा कर मारा था, यह हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता। खैर, वापस लौटते हैं।